हेलो नमस्कार प्रणाम सबको, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इसे कौन नए व्लॉग में। और आज जैसे कि आप मेरे बाल देख रहे होंगे ना, कुत्ते जैसे हो रहे हैं, कुत्ते जैसे लिटरली बाल। तो बाल जो है मैं अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन बालों को संवारा जाए, थोड़ा नया मोड़ दिया जाए। और थोड़ा बहुत केयरिंग भी करनी पड़ती है ऐसा मुझे अभी पता चला। मुझे लगता था कि बस बढ़ा दो और बात ख़त्म, लेकिन बढ़ाने से बात नहीं बढ़ेगी ना, फिर तो अपना वो वैसा लग जाएंगे हम जैसे वो पागल नहीं होते जो बढ़ा के रखते हैं, तो वैसे वाला नहीं लगने के लिए तो मैं टाइम पे केयरिंग करनी पड़ेगी बालों की। तो जितना मेरे से हो पाएगा ना उतना मैं करूँगा, और जहाँ उम्मीद हारी वहाँ हार के फिर भैया कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर यहाँ से चलेंगे अपने होम स्टे में, क्योंकि अभी जो है वहाँ का काम दोबारा से स्टार्ट करना है बढ़िया तरीके से। अभी मैंने कुछ टाइम जो था वो इधर घर पे था देहरादून पे अपने, तो अब वहाँ जाएंगे। तो पहले मैं जाऊँगा सैलून, फिर जाऊँगा उधर की तरफ अपने होम स्टे की तरफ, और फिर देखते हैं आगे का कैसा सीन रहता है और क्या क्या चीज़ें हमारे व्लॉग में दिखती हैं। ठीक है, ओके। तो ये है मेरा अभी पोस्ट हेयर कट लुक। अभी मेरे को ऐसा बना के दिया, मैं पुरानी मूवीज़ का हीरो टाइप फील कर रहा हूँ अभी, कि वैसा लग रहा हूँ अभी जाना। और जो बोलते हैं ना कि बाल कटवाने के 3-4-5 दिन बाद निखार आता है, तो वो निखार भी देखेंगे। और बाकी बहुत सारे टिप्स दिए जो कि काम है हेयर सैलून वालों का देना, ज़बरदस्ती की टिप्स भैया ये करा लो वो करा लो। मैंने कहा ठीक है करवा लेंगे, फिलहाल जो है अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं आगे होता क्या है और कब तक मैं ये पुराने हीरो की तरह फील करता हूँ, कि पुरानी मूवीज़ में जो रहते थे ना उनकी तरह, नॉट हीरो ठीक है, जो भी रहते थे। तो फिर आपसे मिलता हूँ मैं आगे, और फिलहाल चलते हैं हम अपने होम स्टे में। ठीक है, अभी सीन ऐसा है कि मैं होम स्टे तो पहुंच चुका हूं, ठीक है। तो होम स्टे में आके मैं क्या दिखता हूं, मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन हो रखा है कि हमारे होम स्टे में हो रही है शादी, मैरिज। जी हाँ, शादी वाले तो पहले भी होती थी कि जैसे लोग आते थे तो ठहरते थे, रुकते थे, लेकिन अब यहीं पर ही शादी हो रही है, मतलब फेरे वगैरह, ठीक है, फेरे खाना या कुछ भी और चीज़ें, तो सारी चीज़ें यहीं पर हो रही है। मैं आपको एक बार अरेंजमेंट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो आज कैसा लग रहा है हमारा होम स्टे, तो फिर हम तो रखे थोड़ा कंजस्टेड चीज़ों की वजह से। यहाँ पर होंगे फेरे, ये है ऐसा सजावा, अभी तक चल रही थी सजावट, ये देखो यहाँ पर है अपना खाना। तो जगह जगह तरीके से सजा तो रखा है बढ़िया तरीके से। ये अपना गेट एंट्री पॉइंट, और मैं अब आपको दिखाता हूँ ऊपर से, ये देखो ऐसे कुछ सजा रखा है अभी जितना हो सकता था फिलहाल के लिए, लेकिन एंट्री में बढ़िया है जो बात है। ये देखो, और इस ही जगह में होंगे फेरे। तो अभी जो है काफ़ी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी, फिर देखते हैं कैसे होता है। तो अभी हो चुकी है शादी की रस्में स्टार्ट। यहाँ पर जस्ट एंट्री में ही बैठे हैं अपने दूल्हे, और सामने पंडित जी, और ये हमारी तरह कैमरा मैन है जो कि अभी हमें हटने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल जो है अभी हम यहाँ से हट जाते हैं और बाकी की चीज़ें आपको दिखाते हैं। सामने दूल्हा है, दुल्हन की एंट्री अभी बाकी है होनी, ठीक है। और ये सारे जो हैं वो दूल्हे दुल्हन के क्लोज वंस हैं, है ना, तो जितने क्लोज हो सकते थे सिर्फ उन्हीं को ही इन्विटेशंस है। बाकी इन फ्यूचर ये कुछ ग्रैंड करेंगे, और बाकी परिवार वाले हैं अभी यहाँ पर, और ये अपने दुल्हन साइड से हेलो। और फिर ये है अपने सबसे मेन जो बैंड वगैरह बजाते हैं ना यार, मस्त एकदम हेलो हेलो हेलो। तो इन्होंने जो तड़कती धूप में भी नचाया है ना सबको, मज़ेदार। The next day. तो जी शादी जो है वो तो निपट चुकी है, काफ़ी सारे काम जो थे वो डन हो चुके हैं। तो शादी निपटने के बाद हम भी हो चुके हैं फ्री, और फ्री होके अब क्या काम रह गया, ये बिजली का बिल, इतना लंबा चौड़ा बिल आने के बाद अब इसको कम करवाना पड़ेगा। लंबा चौड़ा बिल ना मुझे लगता है गलती से आया, क्योंकि इस बार डबल बिल आ चुका है, तो उस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं बिजली विभाग, यहाँ के बिजली विभाग में देखते हैं कर्मचारी भाई साहब क्या बोलते हैं। वैसे भैया इस बार ज़्यादा बिल आया कैसे? अब ये तो बिल वालों को पूछना पड़ेगा कि मतलब डबल आ रहा है ना, दिक्कत ये डबल आ रहा है, हमने तो पिछली बार बिल जमा कर रखा था। हाँ, हर बार इसमें, लेकिन ये है कि अब हमने टीवी चलाना कम कर दिया। भैया न्यूज़ रिपोर्टर की तरफ बोल रहे हैं, हमने टीवी चलाना कम कर दिया। ठीक है, सही बात है, और टीवी चलाना भी कम कर सबका कम। आप एक ही चीज तीन बार बोल रहे, तो बिजली वाले बोल देंगे कि हाँ यार इनका ना बिल कम कर देता हूँ। हाँ तो और क्या क्या कम कर दिया, करना पड़ेगा हमने आजकल तो सब कुछ मोटा। आप ये कहना चाह रहे हो कि हमने चीजें आधा कर दी हैं, आधा कर दी और ना हमारा गीजर चल रहा है, बिल डबल हो रहा है। हाँ, इसका मुद्दा क्या है?
मुद्दा छेड़ना पड़ेगा भैया, देखो तो उठाना पड़ेगा हमें इसमें। हाँ गलत बात है, हम इस पे बस ठीक है भैया, आप तो भाषण पे शुरू हो गए। भैया भैया को ना वो बनाना है, अपने क्षेत्र का विधायक बनाना है, तो भैया इस वजह से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बात सही है ना? ओके ओके। अरे यार हाँ, तो अभी जा रहे हैं बिजली विभाग और बिल आ चुका है डबल, और उस डबल बिल को फिर वापस हाफ कट करना है कि भैया जो पहले आते थे बिल वही दे दो, हम उन्हीं में ही अपना वो कर देंगे, गुजारा कर संतुष्टि कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो है हाँ, वरना हम आंदोलन धरने पे बैठ जाएंगे। डबल बिल तो यार ऑब्वियसली कुछ भी करेगा आदमी तो तब भी नहीं आता, डबल कैसे आ जाएगा? एक और सेम घर बनाना पड़ेगा ना, तब आएगा ना डबल, और सेम चीजें होनी चाहिए, वरना तो ऐसे नहीं आता। ये लोग तो फिर सीमा पार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सीमा पार कर रहे हैं ना। हाँ तो फिर अब सीन ऐसा है कि बिजली का बिल पहले होगा क्लियर, फिर देखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद हमें करवाना है गाड़ी में थोड़ा काम, जैसे मैंने अपनी गाड़ी में करवाया था ना, वैसे इस वाली गाड़ी में भी करवाना है। ये है वैगन आर, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा मेरी थी नेक्सॉन, उसमें जो काम कराया है सेम इसमें भी करवाना है, टायर बदली करवानी, पंचर वाला भी कुछ टाइम पहले ना, तो उस चीज़ को जो है ठीक कर दिया था मैंने, क्योंकि वो इमरजेंसी था तो मैंने खुद ठीक करा, लेकिन अब पुराना वाला टायर वापस लगाना है, क्योंकि एक नया टायर कार ओनर को बर्दाश्त नहीं कार ओनर को बर्दाश्त नहीं है कि सारे के सारे टायर जो है पुराने होने चाहिए, जो नया है वो वहाँ पे डिक्की में जाना चाहिए, बाकी सारे के सारे टायर जो पुराने हैं वही लगने चाहिए, तो वो पंचर पंचर जो कि जहाँ पे चार भाई खड़े होते हैं वहाँ पे एक अच्छा शायद दिख रहा हो और तीन भाई एडजस्ट हो गए हो, हाँ तो उनमें जम नहीं रहे, वो चारों भाई को एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है भैया, भैया का भी कहना ठीक है, तो इस हिसाब से हम जल्दी करेंगे, डू द नीडफुल वेरी वेरी फास्ट, तो सेम करेंगे। ठीक है आगे मिलता हूँ आपसे, और देखते हैं हमारा बिजली का बिल का फाइनल क्या होता है कंक्लूजन। ठीक है A few moments later. तो जमा नहीं, सूत्रों के अनुसार ये पता लगा है कि गलती जो है वो हमारे लोगों की है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, हमारे लोगों की है। वो गलती है कि पिछली बार का भी बिल नहीं भरा ना, इस बार इसलिए दोनों बार का बिल साथ आ रहा था। मुझे तो इस बार भी इतनी हंसी आ रही, और ऑनलाइन भरने का मेरे को कुछ डिस्काउंट मिल रहा है ऐसा मेरे को बताया गया है, तो वो चीज़ें एक बार देख लेते हैं कि क्या सच में मुझे डिस्काउंट मिल रहा है या ये भी एक चाल है, जैसे कि मुझे फंसाने की थी। चार महीने का बिल नहीं भरा और मैं कह रहा इतना ज़्यादा बिल आया तो आया कैसे, अब दो महीने का डबल तो आएगा ही ऑब्वियसली, बट चलो कुछ तो पता चला यहाँ आके कि ऐसे काम भी होते हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं, है भैया अब ऐसा नहीं करना है, जो पिछले वाले ने कर दिया वो कहीं सेम आप भी कर रहे हैं। अब तो बिल आएगा तो हमारे अंदर आएगा ना, है ना आएगा फिर। अरे यार मतलब ये वाली चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे लगा था कि इनके मीटर में फॉल्ट होगा, ख़राब करेंगे, फिर उन्होंने चेक करा, भैया कह रहे हैं कि चार महीने का बिल आपने भरा नहीं, आप कह रहे हो कि डबल आ गया, डबल तो आना ही था, और ये बात मुझे नहीं पता थी। अब मैं थोड़ा गमगीन होके गाड़ी का काम करवाने जाऊँगा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि टायर जो है वो पुराना वाला वापस लगाना है एज पर टू दी ओनर। ठीक है तो फिर जल्दी से चलते हैं, ये वाला काम तो हो चुका है डन, इसको करते हैं ऑनलाइन सीन, बाकी देखते हैं। ठीक है चलो जी, अब वापस आ चुके हैं हम मलिक मोटर में जहाँ मेरी गाड़ी का काम करवाया था, अब यहाँ पर करवाते हैं टायर को एक्सचेंज और करते हैं आगे का काम प्रक्रिया शुरू। देखो मैं दिखाता हूँ कौन सा वाला टायर पंचर हुआ था और फिर कौन सा वाला लगाया, ये वाला लग रहा होगा आपको नया टायर एज कम्पेयर टू दिस, और जो पुराना टायर है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अब वो देखना पड़ेगा कि वो सच में पंचर था या नहीं था, ये है वो वाला टायर। तो चलो भाई साहब अपना काम हो चुका है डन, बिजली का बिल चलो पता तो चल ही गया क्या फॉल्ट है, दूसरी चीज़ अपनी गाड़ी का जो टायर है वो चारों भाई एक साथ आ गए हैं ना भैया, चारों भाई एक साथ कर लिया ना हमने। भैया का ये कहना है कि चारों भाई जो है वो पुराने थे तो पुराने साथ में नहीं, जो नया वाला टायर है वो स्टेप नहीं था, अब वो रख दिया है पीछे, वैसे सजा था जाके वापसी धूल ढाल के नहला धुला के, है ना। फिर अब अपना जो है अभी मैं हूँ अपने मेन बाज़ार में हिमालयन चौक में, बस इसके बाद अपन जा रहे हैं वापस घर को, और धूप इतनी तेज है कि रुका नहीं जाएगा अभी, तो इस वजह से हमें सूसा फूफा निकलना पड़ेगा यहाँ से, अंकल को देखना ऐसे रोड पार कर रहे। तो फिर अब आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग जल्दी से एडिट करके आप लोगों के सामने लाना भी है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। बाकी आपसे कहना क्या, चलो फिर सही है।